This video is sponsored by KW Delhi 6. हेलो ब्यूटीफुल पिंकिशियंस, मैं हूं डॉक्टर शैलजा मान और आज आपके साथ मेनोपॉज पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। मेनोपॉज यानी मेंस्ट्रुएशन का स्टॉपेज या पॉज। इसकी नॉर्मल एज रेंज है 45 साल से 55 साल तक, और अगर हम एक सिंगल वैल्यू इसकी ढूंढें तो 47 साल के लगभग जब एक महिला की एज हो जाती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम मान के चलते हैं कि 3 साल आगे या 3 साल पीछे में मेनोपॉज हो सकता है। मेनोपॉज के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं जब हम ये जानते हैं कि एक नॉर्मल बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। हम इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और अगर हम इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं, हमें इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है या जानकारी नहीं है तो हम परेशान हो सकते हैं। मैं 1, 2, 3, 4 करके आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगी और साथ के साथ उनको, उनसे कैसे कोप अप किया जाए, उनको कैसे अपना साथी बना लिया जाए कि वो हमें परेशान ना करें, वो भी आपको बताऊंगी। पहली प्रॉब्लम होती है जब मेनोपॉज का ट्रांजिशनल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। जो हमारी साइकिल्स हैं उनकी लेंथ या तो शॉर्ट हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, ब्लीडिंग भी कम या ज्यादा हो सकती है। इसके लिए आपको जरूर गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए ताकि कोई बड़ी बीमारी जैसे कि बच्चेदानी का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर या और कोई हार्मोनल प्रॉब्लम जो आपकी सेहत के लिए खतरनाक है, वो आप चेकअप करा सकते हैं और उसके बाद आपके लिए माइल्ड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स ऑफर किए जा सकते हैं जिससे कि आप आसानी से अपना ये ट्रांजिशनल पीरियड खूबसूरती से निकाल पाए। दूसरी प्रॉब्लम होती है मूड डिसऑर्डर्स की। चिड़चिड़ापन, लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बहुत कॉमन है और इससे बहुत सारी फीमेल्स की वर्क प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। वर्क प्रोडक्टिविटी घर में और घर के बाहर दोनों ही जगह, तो प्लीज मेरी एडवाइस है आप इसको समझें कि ये जो मूड डिसऑर्डर्स हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से हैं, जो हार्मोन्स के बदलाव उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसकी वजह से हैं। अगर ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ज्यादा इफेक्ट करता है तो आप इसके लिए काउंसलिंग सेशंस भी ले सकते हैं और मेडिसिन भी ले सकते हैं, उससे जिंदगी 100% बेहतर और आसान हो जाती है। तीसरी प्रॉब्लम है हॉट फ्लैशेस या हॉट फ्लश का होना। इसमें जो औरतों को मेनोपॉज हो रहा होता है, हो जाता है या उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, गर्मी आने के बाद बहुत सारा पसीना आ जाता है, और कहा जाता है कि जिस लेडी को मेनोपॉजल हॉट फ्लशेस या फ्लैशेस होते हैं सिर्फ वही बता सकती है कि ये कितनी बुरी चीज़ है, कितना ख़राब सा एक्सपीरियंस है। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये एक्सपीरियंस हो रहा है उसके लिए छोटी छोटी दो टिप्स कि लूज कपड़े पहने, अपने एनवायरनमेंट को कूल रखें, अपने माइंड को कूल रखें, और जिस टाइम हॉट फ्लैशेस या हॉट फ्लशेस हो रहे हैं उस टाइम आप योगा या मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर इससे भी रिलीफ नहीं मिलता है तो आप गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लेकर मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म टाइड ओवर के लिए बहुत यूजफुल थेरेपी है और साइड इफेक्ट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस को ध्यान में रखते हुए ही ये स्टार्ट की जाती है। क्या आप अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की? प्लीज विजिट एट साइट एंड ग्रैब द स्कीम बेनिफिट्स ऑफर फॉर लिमिटेड पीरियड। गो एंड रीड अ प्रोजेक्ट हाइलाइट्स। तीसरी प्रॉब्लम है बोन लॉस, ऑस्टियोपेनिया यानी कि हड्डियों की कमजोरी और ऑस्टियोपोरोसिस। इसके पहले से भी हम जानकारी ले सकते हैं, मेनोपॉज हो या ना हो हम अपनी बोन मिनरल डेंसिटी चेक करा सकते हैं। बहुत ही इजी है और थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव सा भी है, बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं आता है, मगर ये है कि हम अपने ऑस्टियोपोरोसिस या मेनोपॉज के बाद जो बोन लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं। आप विटामिन डी और कैल्शियम का इंटेक अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, टैबलेट्स ले सकते हैं अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, और डाइट के लिए आप इसमें दूध, लस्सी,
दही, छाछ, पनीर, अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत आसानी से अवेलेबल ना हो या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और हर चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ही लें। चौथी चीज़ है कि हमारे स्किन रिंकल्स और बाल एज एक्सपेक्टेड थोड़ा सा अपना जो वाइटालिटी और वाइगर है वो लूज़ करना शुरू कर देते हैं। उसको मेंटेन करने के लिए आपको चाहिए कि आप एक्सरसाइज करें, डाइट में फैट्स के जो इनटेक हैं, फैट्स की जो मात्रा है वो कम कर दें, और थोड़े से फाइटोइस्ट्रोजन यानी कि जो पेड़ के कुछ पेड़ के तत्व ऐसे होते हैं जिसमें ईस्ट्रोजन नेचुरली पाया जाता है, उसको इनटेक बढ़ा लें या शामिल कर लें। और उसके दो तीन एग्जांपल्स हैं, एक तो सोयाबीन या सोयाबीन की बड़ी या सोयाबीन का पाउडर या सोयाबीन वाला मिल्क, सोया मिल्क जिसे बोलते हैं, वो आप ले सकते हैं। और दूसरा है कच्ची प्याज, हरी प्याज, इसका इनटेक भी आप रॉ फॉर्म में सैलेड के रूप में कर सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मेनोपॉज के दौरान, मेनोपॉज के बाद एक तो एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स की जो इंसिडेंस है वो बढ़ जाता है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड डिसऑर्डर्स, तो इसका आप स्क्रीनिंग जरूर करा लें, क्योंकि इसके साइंस एंड सिम्टम्स आते आते तक बीमारी जो है वो काफ़ी आगे बढ़ जाती है। तो बेहतर है कि आप पहले से इसकी स्क्रीनिंग कराएं, जांच कराएं। सिंपल एक ब्लड प्रेशर और शुगर टेस्ट कराने में मेरे हिसाब से कोई नुकसान नहीं है। और दूसरा है कैंसर्स। कैंसर्स का ऐसा नहीं है कि मेनोपॉज के होते ही कैंसर्स होने शुरू हो जाएंगे, मगर कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो मेनोपॉज के बाद ज़्यादा हो सकते हैं, उनके रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे कॉमन दो कैंसर्स हैं जो औरतों में होते हैं, वो है ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदानी के मुंह के कैंसर, यानी कि कैंसर ऑफ सर्विक्स, बच्चेदानी का माउथ का कैंसर। तो उसके लिए भी बहुत सिंपल स्क्रीनिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी, सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप्समियर, वो आप ज़रूर कराएं, एंड प्लीज़ इसको नेग्लेक्ट ना करें। और लास्ट और फाइनल जो मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए छोटी सी बात है लेकिन वो बहुत मैटर करती है, वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आप प्लीज़ मेनोपॉज को इस तरह से अपनी लाइफ का पॉज, अपनी लाइफ का खात्मा कि अब औरत की ज़िंदगी ख़त्म, यूज़लेस, घर के कोने में पड़ी होनी चाहिए, उस तरह से आप अपना एटीट्यूड ना रखें। आप पॉज को पॉजिटिविटी में बदलें, आप अपने लिए टाइम निकालें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी हॉबीज़ को इनकल्केट करें। आप प्लीज़ खाना बनाएं, कुक करें, बेक करें, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल, पेंटिंग, एंड आई नो हम सब लेडीज़ बहुत टैलेंटेड होते हैं, तो उसको निखारें। और फाइनल जो चीज़ है वो ये है कि जो मैंने भी कही थी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, थोड़ा सा टाइम के साथ साथ थोड़ा सा पैसा भी आप अपने लिए बचा के रखें, ताकि आप अपनी हॉबीज़, अपने खर्चे, अपनी खुशियाँ छोटे छोटे पैसों से उनको पूरा कर पाएँ। एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेके आता है, जिससे सारा ही एटीट्यूड, सारा ही जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड है वो पॉजिटिविटी में बदल जाता है। एंड फ्रेंड्स, फाइनली, अगर आपको मेनोपॉज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर्स और एड्रेसेस पे आप हमसे 24/7 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगली जानकारी के लिए प्लीज हमसे जुड़े रहें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस एट 8010908888. Thank you.